इंदौर में एक युवती को अपने पति से तलाक लेना महंगा पड़ गया। उसका फायदा तलाक दिलाने वाले वकील ने उठा लिया। दरअसल यह अनोखा मामला इंदौर के महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया है, जहां पीड़िता ने अपने वकील पर आरोप लगाया कि उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत को वकील ने अंजाम दिया है। पीड़िता द्वारा महिला थाने में एडवोकेट शैलेश जैन के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया है। महिला थाना पुलिस ने जाँच कर आरोपी शैलेश जैन के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो पीड़िता आरोपी वकील शैलेश जैन को वर्ष 2018 से जानती है और अपने पति के खिलाफ लगाए गए तलाक के केस में आरोपी शैलेश जैन वकील था। आरोपी शैलेश लगातार पीड़िता को अपने आप को तलाकशुदा बताकर उसे शादी के लिए प्रताड़ित कर रहा था। कल दिनांक को फरियाद थाने पर उपस्थित आई, जिसके द्वारा शिकायत की गई कि एक शैलेश जैन नाम के व्यक्ति द्वारा उसको वर्ष 2018 से जानती थी, जिसके एक केस चल रहा था उसके पति के खिलाफ तलाक का, जिस दौरान उसकी उससे जान पहचान हुई थी। तो उस आरोपी द्वारा फरियादी को बोला गया कि मैं भी तलाकशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। उस समय फरियादी ने उसे मना कर दिया और उसके बावजूद उसको बार बार बोलता रहा और उसको बोला कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और दिनांक के 21/1/2021 को उसको फरियादी को बुलाया इंदौर और कहा कि तुम यहीं पर रहो या नौकरी करो, अभी तुम सोच लो तुमको क्या करना है, अगर तुम चाहोगी तो तुम उससे शादी करना, ऐसा करके उसको यहाँ किराए का कमरा दिलाया। और उसके बाद शाम के टाइम पे फरियादी को बोला, उसके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाए। फरियादी ने इसका विरोध किया तो उसको कहा गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और ऐसा कहते कहते उसके साथ उसको विश्वास में लेके शादी का झांसा देके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिस पर से फरियादी द्वारा परेशान होकर महिला थाने पर शिकायत की गई और अभियुक्त द्वारा शादी से करने से इनकार कर दिया गया, जिस फरियादी के आवेदन पर से धारा 376(2)(2) के बाधा भी में अपराध दर्ज किया गया। आरोपी सुजालपुर का रहने वाला तलाक का केस को फरियादी में बताया जा रहा था कि 18 से चल रहा है, मतलब तो उसी दौरान उसकी जान पहचान हुई थी तलाक के केस के दौरान पर। उसी पेशे से आरोपी एडवोकेट है, उसके द्वारा उस केस को लड़ा गया था। इस प्रकार का अभी फरियादी द्वारा नहीं बताया गया। आरोपी क्या करता है? आरोपी पेशे से एडवोकेट है, अभी इसकी तलाश है। सब इंस्पेक्टर आराधना शर्मा, महिला थाना इंदौर।